हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी के लिए एमपीजी के जितने भी लोग हैं सभी परीक्षा धाम से पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने रिवीजन करना प्रारंभ कर दिया होगा, इसीलिए इस वीडियो में हमें रिवीजन कैसे करना है, किन चीज़ों को हमें बार बार पढ़ना चाहिए परीक्षा धाम से, सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं की पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने शुरुआत के 3 चैप्टर जो हैं वह लगभग 20 मिनट में समाप्त किए थे। आज जो है हम चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठवां चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं और मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब हम भौतिक विभाजन में, सबसे पहले तो आपको काफी अच्छे तरीके से मैप याद होना चाहिए कि मध्य भारत में सामान्यतः कौन कौन से जिले आ रहे हैं, बुंदेलखंड में कौन से जिले आते हैं, रीवा पन्ना के पठार में कौन से जिले हैं, बघेलखंड के पठार में कौन से जिले हैं, सतपुड़ा में, कलसेड़ी में, नर्मदा घाटी और मालवा के पठार में। इसके बाद आपको इस क्षेत्र में क्या चीज ध्यान रखना है कि यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि सतपुड़ा का ऊंचा पर्वत कौन सा है, बघेलखंड का ऊंचा पर्वत कौन सा है, मालवा का कौन सा, और नर्मदा घाटी को तो निचला आता है, मतलब यहाँ पर कोई पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत हम नहीं कह सकते, घाटी ही। पहला चीज आपको पर्वत याद रखना है, दूसरा यहाँ से निकलने वाली नदी, और तीसरी चीज आपको परसेंटेज वगैरह की, जैसे कि मालवा सबसे ज्यादा 28% है, और लास्ट में खनिज। ये अगर आपने 4 चीजें पढ़ ली तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भौतिक विभाजन में अगर कहें तो मध्य प्रदेश को जो है 5 भागों में बांट दिया गया है, या मध्य उच्च प्रदेश को हम कहें तो 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। सतपुड़ा को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। मध्य श्रेणी महादेव पर्वत है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है, 1350 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मध्य भारत में जो है ये अक्षांश देशांतर कितना है हमें नहीं याद रखना है, नहीं आए एग्जाम में। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% है। इसका जो निर्माण है विंध्यन शैल समूह से हुआ है नदियों के अपरदन के कारण, क्योंकि आप देखेंगे इस समय चंबल जो है मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाती है, तो इसके बहाव या इसके कटाव के कारण जो मिट्टी आती है यहाँ से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होगा, शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा होगा। इसकी जगह कहीं कहीं पे ये लिखा रहेगा महाद्वीपीय जलवायु। ये भी आप, औसत वर्षा काफी कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। नदियों में बस ये ध्यान रखना है, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी सी। वैसे अभी नदियों भी ना पढ़ी, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है यह किसकी सहायक नदी है या किन जिलों से निकलती है, तो आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं। आपको ही बस ये याद रखना है जलवायु कितनी यहाँ की कैसी है और क्षेत्रफल कैसा है, 2 चीजें आप पढ़िए और आगे बढ़िए। सरसों खेती बहुत ज्यादा होती थी, सरसों की हांडी कहा गया है। बिहार प्रभावित क्षेत्र है। मध्य भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है टोंगरा, इसको याद रखिएगा, जो कि लगभग 430 मीटर की है, शिवपुर जिले में। क्या नाम है इसका? टोगरा। अभी हमें बस इस पॉइंट से कि मध्य भारत के पठार से, मध्य भारत से हमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 10.7% है। दूसरा, यहाँ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वह टोगरा पॉइंट है 430 मीटर का। बस इतना आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बाकी सारी चीजों को आप स्किप करिए। बुंदेलखंड का पठार का निर्माण नीस चट्टानों के अपरदन से हुआ है। कुल क्षेत्र 7.7% है। यह ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। बुंदेलखंड में ग्रीष्म ऋतु में भी अधिक गर्म रहेगा, शीत ऋतु में भी अत्यधिक ठंडी पड़ती है। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि विषम जलवायु है या महाद्वीपीय जलवायु रहेगी।
वैसे तो सामान्यता मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन आएंगे वो वहां पे लिखना रहेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूरे मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा पश्चिमी क्षेत्र से थोड़ा सा ज्यादा होगी 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास में। तेंदुआ महुआ बैतूल खैर नीम के वृक्ष पाए जाते हैं, कोई मतलब नहीं है ये, प्रमुख फसल भी नहीं याद रखना है। यहाँ पर जो प्रमुख खनिज है वह हीरा और चूना पत्थर। सबसे ऊंची चोटी जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है कि ऊंची चोटी कौन सी है। सिद्ध बाबा चोटी जो है जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहेगी, 1172 मीटर है यहाँ पे ये चोटी, 1172 मीटर दतिया जिले में, ये याद रखना है। तो बुंदेलखंड के पठार में दो पॉइंट याद रखने हैं बस आपको, इसका कुल क्षेत्रफल 7.7% है और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिद्ध बाबा जो की दतिया में है। ये क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र रहता है और यहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है जिन्हें टोर कहा जाता है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तीन पॉइंट, टोर क्या है, यहाँ के मैदानों के बीच की छोटी पहाड़ियां, 7.7% इसका एरिया है और यहाँ की जो सबसे पीक पॉइंट है वह सिद्ध बाबा चोटी दतिया में है। मालवा का पठार मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेव लावा या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु रहेगी, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी, शीत ऋतु में साधारण ठंड रहेगी। इसीलिए एक व्यक्ति आए थे फाहेयान उज्जैन में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के समय पे इन्होंने अवंतिका या उज्जैन की यात्रा की थी, जहां पे इन्होंने विश्व की सर्वोत्तम उपयोगी जलवायु कहा था, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु कहा था मालवा के क्षेत्र की जलवायु। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे कपास गेहूं ज्वार मूंगफली वगैरह प्रमुख फसल है। काली मिट्टी पाई जाती है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है, गेहूं की डलिया हम कह सकते हैं, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है और यहाँ का सबसे जो ऊंचा पॉइंट है वह हो जाएगा आपका सिगार चोटी। तो मालवा के पठार से ज्यादा हमें कुछ नहीं, बस तीन चार फैक्ट याद रखने हैं। पहला, सबसे बड़ा है, 28% भूभाग है इसका। दूसरा, फाहेयान ने सबसे अच्छी जलवायु कहा है और यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है और इसे हम बास्केट ऑफ वीट कहते हैं, गेहूं की डलिया, कर्क रेखा मालवा से गुजरती है। सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा होगा, सिगार पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे जनापाव पहाड़ी है और धजरी पहाड़ी भी है, जो तीनों पहाड़ियां जो है इंदौर जिले में स्थित है और फाहेयान जो चीनी था उसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। चार फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, मेरे ख्याल से ये याद भी हो गए होंगे आपको। चलिए अगला देखते हैं, रीवा पन्ना के पठार में, इसका कुल क्षेत्रफल 10.36% है। इस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और इसे विंध्यन कगारी या स्कार्प लैंड भी कहा जाता है। यहाँ के सबसे ऊंचा पॉइंट जो है सद्भावना पॉइंट है, गुडविल पीक है, 752 मीटर का, कहाँ पे हो जाएगा, दमोह। और मध्य प्रदेश में जबेरा का गुम्बद दमोह जिले में रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। बस इतना याद रखिए, बाकी सारी चीजें जो है वो एग्जाम में अगर आई तो आपसे बन जाएंगी। नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश का सबसे निचला पॉइंट है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है, मतलब दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग हो जाएगा मालवा, दूसरा हो जाएगा नर्मदा घाटी। जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है, शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसका पूर्वी क्षेत्र ठंडा और पश्चिमी क्षेत्र अधिक गर्म होता है। कारण इसका, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है जिस कारण यहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े वृक्ष भी मिलते हैं, जंगल जो है यहाँ पे ज्यादा सघन है, इसलिए यहाँ जो है उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ पाती, सॉरी उतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ पाती है। नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी था, पूर्व में लाल मिट्टी पाई जाती। पूर्व मतलब कि जो आपका शहडोल अनूपपुर बालाघाट का क्षेत्र है यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती, इसीलिए यहाँ पे धान की खेती ज्यादा होती है पूर्वी भाग में। नर्मदा घाटी को कृषि का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चार पॉइंट कौन से हो जाएंगे, कृषि की
अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहेंगे हम लोग नर्मदा घाटी को। पश्चिमी भाग में काली मिट्टी, पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में जो है साधारण ठंड रहती है। चलिए आगे वाला देखते हैं। मैकल सतपुड़ा श्रेणी को तीन भागों में बांटा गया है। आप राजपीपला किसका भाग है ये भी पूछा गया है, महादेव किसका भाग है यह पूछा गया, मैकल किसका भाग है, ये सतपुड़ा श्रेणी के ये तीनों भाग रहेंगे। राजपीपला मध्य प्रदेश और गुजरात में है, महादेव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है और मैकल MPCG में रहेगा। यह लगभग मध्य प्रदेश के कुल भाग का 11% भाग है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म रहते हैं, शीत ऋतु में ये अधिक ठंडा रहता है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहने का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं तो इस कारण गर्मी कम पड़ रही है, या अपोजिट गर्मी कम पड़ती है तो ठंडी ज्यादा रहेगी, ऐसे याद किया जा सकता है इसको। फिर इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसी कारण धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है और बालाघाट जिला जो है इसके अंतर्गत आता है, इसीलिए यहाँ पे मैंगनीज और तांबा अच्छी खासी मात्रा में मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण। वर्षा जो है लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होती है। यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जिसे कॉफी की मिट्टी या फिर मसाला मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि मसाला उत्पादन भी अच्छा खासा होता है, कॉफी भी यहाँ पे हो जाती है, काजू वाली मतलब काजू भी होता है बैतूल के आसपास। पूर्वी पठार या बघेलखंड की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा भाग है, लगभग 7% भाग यहाँ पे है। आद्य महाकल्प चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में भयंकर ठंडी पड़ती है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, धान की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो अब जो है आपको बस ये कीवर्ड्स जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं वो याद रख लेना है। मालवा के पठार 28% भाग है, काली मिट्टी पाई जाती है, सोयाबीन प्रमुख फसल है और सबसे ऊंची चोटी जो है सिगार है। मध्य भारत 10.68% है, जलोद और कछारी मिट्टी पाई जाएगी, सरसों प्रमुख फसल रहेगी, सरसों की हांडी कह देंगे। और यहाँ का जो पीक क्या था, ये था दतिया में सिद्ध बाबा, ठीक है, पीक याद रखिएगा सभी के सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड जो था 7.7% मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी, गेहूं तिल के लिए उपयोगी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा रहेगी। वैसे इसका भी जो मध्य भारत का भी कहीं कहीं पे आ जाता है, इसकी चोटी का नाम दूसरा है घटिया करके, उसको ध्यान रखिएगा। रीवा पन्ना का जो पठार है यहाँ पे जेबरा का गुम्मत कहेंगे। नर्मदा घाटी सबसे निचला क्षेत्र रहेगा। सतपुड़ा जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, महादेव पर्वत के अंतर्गत आती है, ये 1350 मीटर की रहेगी। सबसे प्राकृतिक छोटा भाग जो रहेगा बघेलखंड रहेगा। तो रिवीजन हमें इसी तरह करना चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं उसको याद रखिए, बाकी को स्किप करते जाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब गोवा प्लान वाले बाकी लोगों से आपको आगे लेके जाएंगे। मध्य भारत के पश्चिमी और बूंदी और करौली पहाड़ियां या अरावली श्रेणी सीमा बनाती है। ये पूछा जा सकता है कि बूंदी और करौली पहाड़ियां किस क्षेत्र है, मध्य भारत में है या फिर बघेलखंड में है, बुंदेलखंड में है। तो मध्य भारत में बूंदी, करौली या अरावली, अरावली श्रेणी आएगा तो सभी लोग से बन जाएगा, बूंदी और करौली याद रखना है हमें। बघेलखंड में स्थित देवगढ़ का जो पठार है, सरगुजा छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र, सोन तथा महानदी के जल विभाजक का काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे मध्य प्रदेश हुआ, ये अमरकंटक है, तो ये नीचे की ओर से बहती हुई महानदी जाती है और ऊपर की ओर जो है ये सोन जा रही है। ये वाला जो क्षेत्र है सरगुजा का, ये महानदी और सोन के लिए जल विभाजक का काम करता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा और गंगा के मध्य जल विभाजक का काम करेगी। देख लीजिए मैप जहां बनाया था, ये ऊपर से आ रही है गंगा, ठीक है, ये आपका विंध्य पठार है, ठीक है, और विंध्य पठार नर्मदा और गंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपकी जा रही है गंगा नदी, ये विंध्य पठार है, ये आपका अमरकंटक और इस साइड जा रही है नर्मदा। तो अगर ये पठार ना होता तो या तो गंगा इस साइड आ सकती थी या फिर ये यहाँ तरफ जा सकती थी। जैसे विंध्यांचल का जो उत्तरी भाग है वहां से जितनी नदियां निकल रही हैं वो सभी
यमुना या गंगा में जाकर मिल जाती हैं। हीरे की जो पन्ना में हीरे की खान है वह बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आ रही है। गुडविल चोटी या कालूमार चोटी दमोह में स्थित है, इसे सद्भावना चोटी भी कह देते हैं। मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर मिलता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, मझगवा, हनौता, कुटियार, सतना जिले से, कहीं कहीं पे बाघिन नदी भी लिखा रहता है। ठीक है, बाघिन, ठीक है, बाघ नदी तो वैसे धारक में है, बाघिन नदी भी है छोटी सी, जहां से हीरे वगैरह मिल जाते हैं। अंगूर नाम की खान जो है वह छतरपुर जिले के अंतर्गत आती है, जबकि हनौता पन्ना में और कोटारिया सतना में है, और मझगवा भी जो है पन्ना में आएगा। बाकी चीजें जो है आप स्किप कर सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, ये पीक पॉइंट दिए हुए हैं, गोपांचल पर्वत ग्वालियर के क्षेत्र में है, सद्भावना पॉइंट जो है भांडेय श्रेणी में आएगा, या फिर हम कहें विंध्यांचल के 3 भाग हैं, कैमूर, भांडेर और विंध्यांचल। अमरकंटक मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, लगभग 1052 या फिर 1024 मीटर के आसपास है। धूपगढ़ जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है, 1350 मीटर का रहेगा, महादेव श्रेणी का भाग रहेगा। राजपीपला की टूलगिरी सबसे ऊंची पॉइंट रहेगी, 1215 मीटर है। सिगार जो है वह मालवा का सबसे ऊंचा चोटी है, 881 मीटर की। बस इतना याद रख लेना है, चूलगिरी जो है यह बड़वानी में है पहाड़ी, बाकी सारी चीजें आप स्किप करिए, इतनी चीजें एग्जाम में आती हैं। अखरानी पहाड़ी या पिछली पीएससी में पूछा था, अखरानी, मधवार और बीजागढ़ की पहाड़ियां किन जिले में आ रही है, ये किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा का भाग रहेगा, या फिर राजपीपला हम कह सकते हैं, पीएससी का क्वेश्चन है लास्ट ईयर। इसे जो है दक्षिण का द्वार भी कहा गया है। महादेव जो है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, खंडवा, सिवनी तक इसकी सीमा है। नंदीगढ़, चौरागढ़, पचमढ़ी, धूपगढ़, मेरे हिसाब से नंदीगढ़ याद रखना है, बाकी तो कालीभीत और चौरागढ़, पचमढ़ी सभी को याद रहता है। नंदीगढ़ जो चोटी है वो महादेव का भाग है, धूपगढ़ इसका सबसे ऊंचा पॉइंट रहेगा। मैकल की सबसे ऊंची चोटी जो अमरकंटक है वह 1067 मीटर की रहेगी, और छत्तीसगढ़ में जो मैकल की सबसे ऊंची चोटी है वह बदरगढ़ है, 1176 मीटर, मतलब बदरगढ़ है छत्तीसगढ़ में ये चला गया है। मध्य की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मध्य प्रदेश स्थित मैकल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक रहेगी, छत्तीसगढ़ है मैकल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल या कालूमार, और मध्य भारत या ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा है, शिवपुर जिले में 430 मीटर। मेरे ख्याल ये नया है जिसको मैं खुद बार बार भूल जाता हूँ, हाँ एग्जाम में आएगा, जितने बार मैंने पढ़ा है कि जरूर टिक सही करके ही आना है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है भ्रंश घाटी में, उसी तरह सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के बीच में भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती है। ये दोनों नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती, इस्टुरी बनाया करती है। कुछ फैक्ट जो है, गिद्धराज पर्वत जो है सतना जिले की रामगिरी तहसील पे है, देवराज नगर में, बस ये यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं इसीलिए से गिद्धराज पर्वत कहा गया, सतना जिले में। भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, श्यामला, न्यूरी, अरेरा, काटरा और ईदगाह है। नारो हिल्स जो है सतना जिले में स्थित है, पीएससी का क्वेश्चन था ये कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है, तो नारो हिल्स हॉटस्पॉट नहीं है, सतना का एक छोटा सा एक क्षेत्र है या पहाड़ हम कह सकते हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध रहेगा। मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ रहेगी। लांजी हिल्स जो है बालाघाट में, लांजी का किला भी बालाघाट में है। लमटेरा हिल्स जो है वह जबलपुर में रहेंगे। गोपांचल पर्वत ग्वालियर है। मैकलगंज का सर्वाधिक खनिज यहाँ पे मिलेंगे, मैकल क्षेत्र, मतलब जो आपका अनूपपुर और मंडला अमरकंटक का क्षेत्र है। त्रिकुटा पर्वत मैहर में माता शारदा का मंदिर है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रगान में विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल का पुराना नाम विंध्याटवी रहेगा। विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर के भयंकर भंडार पाए जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको रिवीजन करने में मजा आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। तो अभी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।